नमस्कार, स्वागत है आपका बालाघाट न्यूज में। मैं हूँ अमलेश वंजारी। बालाघाट जिले में नवतपा की तपिश के बीच रविवार को दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश भी हुई। आंधी तूफान का सर्वाधिक असर मंडला और बालाघाट जिले की सीमा से लगे ग्रामीण इलाकों के साथ वनांचल क्षेत्रों में दिखाई दिया। हमें नगरवाड़ा से नितेश कुमार झारिया ने गुर्रू में राजमार्ग पर आंधी तूफान से गिरे पेड़ों की तस्वीरें भेजी है। उन्होंने यह बताया है कि यहां पर तेज आंधी तूफान के बाद सड़क पर कई पेड़ धराशायी हो गए, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। स्थानीय पुलिस के द्वारा ग्रामीणों की मदद से पेड़ों को हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच आज जिले के मौसम में परिवर्तन हुआ। इसके साथ ही बालाघाट शहर सहित कई क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ बारिश भी हुई। फिलहाल जिले में मानसून सक्रिय होने में एक सप्ताह का विलंब है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि केरला में मानसून जल्द सक्रिय होने के कारण अब जिले में भी जल्द ही प्री मानसून की बरसात होगी। आगे भी 2-3 झाड़ गिरे हुए हैं भैया। जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों की जरूरतों की पूर्ति विगत एक दशक से प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लाल बर्रा के द्वारा की जा रही है। कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान जहां आम लोग प्रभावित हुए हैं, तो वही वनांचल क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। जिले के बोरी निवासी एवं तथागत फाउंडेशन के संरक्षक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं लखनऊ के कमिश्नर मुकेश मेश्राम के मार्गदर्शन में जरूरतमंदों की जरूरतों की पूर्ति की जा रही है। इसी कड़ी में 31 मई रविवार को जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर लांजी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली अति नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत देवरबेली के बैगा बाहुल्य गाँव बोधरा और छतीझोड़ी में फाउंडेशन की टीम पहुंची, जहां सचिव महेंद्र मेश्राम और जिला मुख्यालय से पहुंचे पत्रकारों के दल ने करीब 70 बैगा परिवारों को खाद्यान्न की एक किट प्रदान की, जिसमें आटा, चावल, आलू, प्याज, तेल, दाल, नमक, मिर्च, मसाला एवं साबुन, बिस्किट, मास्क आदि सामग्री वितरित की गई। मास्क है ना? बिस्किट, आलू खा ले।